हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? ये हमारी बाल विकास की क्लास है और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो उसका नाम है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको दो क्वेश्चन देती हूँ, आपको उनके जवाब इसी वीडियो में ढूंढने हैं, ठीक है दोस्तों? आज की क्लास बहुत मजेदार होने वाली है, तो चलिए सबसे पहले आपसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। आपके वीडियो के एंड में आते आते इनके क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है दोस्तों? पहला प्रश्न आपके लिए है, शारीरिक विकास को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, कुपोषण या सुपोषण या बीमारी या भय, इनमें से कौन सा कारक ऐसा है जो शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? और अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक इनमें से कौन सा है? क्या शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित करता है या फिर मानसिक परिपक्वता या अनुवांशिकता या फिर ये तीनों, ठीक है दोस्तों? आपको इन दोनों के जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं। चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे कि फैक्टर्स को कितने भागों में इन्होंने डिवाइड किया है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि चाइल्ड की ग्रोथ को, डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो इन्होंने दोस्तों दो भागों में विभाजित किया है फैक्टर्स को, यानी कारक को, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आंतरिक कारक और दूसरा होता है बाहरी कारक, ठीक है दोस्तों? दो भागों में विभाजित किया गया है, कौन कौन से? कुछ होते हैं आंतरिक कारक और बाह्य कारक। आंतरिक कारक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं वो बात करते हैं। सबसे पहले आंतरिक कारक का पोर्शन देखिए आप, इसमें सबसे पहला कारक कौन सा है जो आंतरिक कारक के अंतर्गत आता है? वो है वंशानुक्रम या फिर वंशानुगत कारक, ठीक है दोस्तों? उसके बाद आ जाता है शारीरिक कारक, ये भी आंतरिक कारक होता है क्योंकि ये आंतरिक महसूस होने वाली चीजें है, ठीक है दोस्तों? फिर आती है बुद्धि और संवेगात्मक कारक, सामाजिक प्रकृतिक, ये कैसे होते हैं? आंतरिक कारक होते हैं। कौन कौन से? वंशानुक्रम, शारीरिक कारक, बौद्धिक या बुद्धि या फिर संवेगात्मक कारक, सामाजिक प्रकृति, ये पांच होते हैं आंतरिक कारक के अंतर्गत। फिर अगर बाहरी कारक की बात करें तो कौन कौन से आते हैं? भौतिक वातावरण, क्योंकि बाहरी बात कर रहे हैं ना, बाहरी वातावरण की, तो क्या होगा? भौतिक वातावरण। दूसरा है सामाजिक और आर्थिक स्थिति, ये भी बाह्य कारक है क्योंकि इस पर अपना खुद का तो कोई कंट्रोल नहीं होता, ये बाह्य कारक है। और तीसरा है गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश, ठीक है दोस्तों? अब इनको एक एक कर पूरा विस्तार के साथ समझेंगे। आपको अभी क्लियर हुआ, आपने इतना समझना है अभी कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारक होते हैं, एक तो आंतरिक कारक, दूसरा होता है बाह्य कारक। आंतरिक कारक के अंतर्गत कौन कौन से कारक आते हैं जो कि बालक की आंतरिक क्रियाएं होती है उनसे रिलेटेड जो होते हैं वे आंतरिक कारक कहलाए जाते हैं, जैसे वंशानुक्रम या वंशानुगत कारक, शारीरिक कारक, बौद्धिक कारक, संवेगात्मक और सामाजिक प्रकृति, ठीक है दोस्तों? बाह्य कारक कौन कौन से होते हैं? भौतिक वातावरण, सामाजिक आर्थिक स्थिति और गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश, ये आते हैं बाह्य कारक के अंतर्गत। तो चलिए सबसे पहले बारी आती है आंतरिक कारक की, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक। तो सबसे पहले आंतरिक कारक का जो कारक होता है उसकी बात करेंगे शारीरिक कारक की, ठीक है दोस्तों? क्योंकि आंतरिक कारक है इसलिए इसके बारे में जानेंगे पूरे विस्तार के साथ। जो बालक जन्म से ही दुबले पतले, कमजोर, बीमार तथा किसी प्रकार की शारीरिक बाधा से पीड़ित रहते हैं उनकी तुलना में सामान्य एवं स्वस्थ बच्चे क्या होते हैं? अधिक तेजी से या तीव्र गति से विकास करते हैं, होता है ना ऐसा ही? अगर कोई बच्चा जन्म से ही बहुत ही दुबला पतला होता है तो उसका शारीरिक विकास भी बहुत ही धीमी गति के साथ होता है और उतनी अच्छे से नहीं हो पाता जितना कि उसकी तुलना में सामान्य और स्वस्थ बच्चे का विकास होता है। शारीरिक कमियों का स्वास्थ्य ही नहीं वृद्धि एवं विकास दोनों पर ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगर असंतुलित शरीर है, मोटापा है, ऊंचाई कम है या फिर शारीरिक असुंदरता इत्यादि जो भी कुछ होते हैं बालक के असामान्य व्यवहार के कारण होते हैं, ठीक है दोस्तों? इनसे शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है बालक के। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला आंतरिक कारक है वंशानुक्रम या वंशानुगत कारक। इसमें क्या होता है? बालक के रंग रूप, आकार, ऊंचाई इत्यादि के निर्धारण में
उसके अनुवांशिक गुणों का महत्वपूर्ण हाथ होता है। बिल्कुल होता है, बालक के अनुवांशिक गुण उसकी वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। यदि माता पिता गोरे हैं बालक के, तो क्या होता है, अधिकतर आपने देखा होगा यदि माता पिता गोरे हैं तो उनका बच्चा भी गोरा ही होता है, यदि माता पिता काले होते हैं तो बच्चे का रंग भी सांवरा होता है। तो इस तरीके से फर्क होता है, वंशानुक्रम का फर्क पड़ता है, या फिर आप कह लीजिए कि इनका भी, ये भी प्रभावित करते हैं एक बालक के विकास को। और इसी प्रकार माता पिता के अन्य गुण भी बच्चों में अनुवांशिकता के रूप में चले जाते हैं। जैसे क्या कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, अति प्रभावशाली प्रतिभाशाली होते हैं, सुंदर होते हैं, और उनका कोई अन्य बच्चा शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब किसके कारण होता है, वंशानुक्रम के कारण होता है, ठीक है दोस्तों, समझ आया आपको। अब अगला आंतरिक कारक देखते हैं जिसका नाम है बुद्धि। बुद्धि को अधिगम की योग्यता, समायोजन, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि के रूप में परिभाषित किया जाता है। जिस प्रकार बालक के सीखने की गति अधिक होती है, उसका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। और बालक अपने परिवार, समाज में, विद्यालय में, आपने देखा होगा कि क्या होता है, कुछ बच्चे बहुत ही जल्दी समायोजित कर लेते हैं, अपने विद्यालय के व्यवहार में बहुत जल्दी ढल जाते हैं, तो ये सब उनकी बुद्धि पर निर्भर करता है। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे बहुत जल्दी अपने दोस्त बना लेते हैं और कुछ नहीं बना पाते, लास्ट तक आते आते उनका सेशन ही खत्म हो जाता है और दोस्त नहीं बना पाते, तो ये सब क्या होता है, उनकी बुद्धि पर निर्भर करता है, इस तरह की चीजें, ठीक है दोस्तों, आपको समझ आया। जहां भी बिल्कुल थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा, वहीं आप एकदम से मुझे रोक देना, कमेंट करना, ठीक है, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करूंगी, भले ही मुझे अगली वीडियो में करना हो, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है आंतरिक जो कारक होते हैं उसका संवेगात्मक कारक। बालक में जिस प्रकार के संवेगों का जिस रूप में विकास होगा, वह उसके सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक तथा भाषा संबंधी विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक पढ़ाई में या किसी अन्य गंभीर कार्य में ध्यान नहीं दे पाता, फलस्वरूप क्या होता है, उनका मानसिक विकास भी प्रभावित होता जाता है। अगला कारक आ जाता है सामाजिक प्रकृति। ये आंतरिक कारक का आखिरी भाग है, ठीक है। सामाजिक प्रकृति के अंतर्गत क्या होता है, बच्चा जितना अधिक सामाजिक रूप से संतुलित होगा, उसका प्रभाव उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भौतिक तथा भाषाई संबंध विकास पर उतना ही अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। सामाजिक दृष्टि से कुशल बालक अपने वातावरण से दूसरों की अपेक्षा अधिक सीखता है ना, ऐसा होता है ना, आपने कई बार ये चीज महसूस की होगी। चलिए बात करते हैं बालक के विकास को प्रभावित करने वाले जो बाहरी कारक थे उनके बारे में। पहला था उसमें गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश। आपने देखा होगा कि गर्भावस्था में माता को अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने की सलाह दी जाती है। उससे न केवल गर्भ के अंदर बालक के विकास पर असर पड़ता है, बल्कि आगे के विकास की बुनियाद भी मजबूत होती है, ठीक है, क्योंकि तभी तो बच्चा विकसित होगा अच्छे से, तभी तो हष्टपुष्ट आएगा वो बाहर, ठीक है। यदि माता का स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो आप एक बालक से कैसे उसके स्वास्थ्य की आशा कर सकते हैं, बताइए। अगर एक माँ ही अच्छी नहीं है, जब उसके गर्भ में एक बालक है, तो अगर उसका ही स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि जो बालक होगा वो स्वस्थ होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। यह बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो उसका विकास प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक होता है, ठीक है। अगला बाहरी कारक आता है जीवन की घटनाएं, यानी जीवन की घटनाओं का बालक के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। यदि बालक के साथ अच्छा व्यवहार हुआ है पहले, तो क्या होगा, उसके विकास की गति सही होगी, अन्यथा उसके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आपने देखा होगा कि अगर किसी बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता बचपन से, तो वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, वो भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करता है। अगर बच्चा बचपन से उसके साथ खुश मिजाज के साथ व्यवहार किया जाता है, तो वो ऐसा ही हंसता खेलता हष्टपुष्ट बनता है। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और ये आता है बाह्य कारक में। और ऐसी स्थिति में बालक का सर्वांगीण विकास बिल्कुल नहीं हो पाता, ठीक है। जीवन की किसी दुर्घटना पर बालक के विकास का बहुत प्रभाव पड़ता है, ये बात समझने लायक है। बाह्य कारक का जो आखिरी बिंदु है वो है भौतिक वातावरण। बालक का जन्म किस परिवेश में हुआ है, वह किस परिवेश में,
किन लोगों के साथ रह रहा है, इन सब का प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपने देखा कि जैसे कोई फैमिली है उसमें ज़्यादातर लोग क्या है आर्मी में ज्वाइन करना पसंद करते हैं, तो उनके बच्चों में भी क्या होता है उसी को लेके एक जुनून होता है कि मैं भी आर्मी में जाऊंगा। तो वो जिस माहौल में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, उन पर उसी तरह का असर पड़ता है। अगर माता पिता पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, बच्चा भी उसी प्रकार से सामाजिक परिवेश में ढलेगा और उतना ही समझदार बनेगा। अगर माता पिता अनपढ़ है तो आपने देखा होगा कि बच्चे भी उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। परिवेश की कमियों, प्रदूषणों, भौतिक सुविधाओं का अभाव इत्यादि कारणों से भी बालक के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगर आपने देखा कि कोई निर्धन या गरीब परिवार का बच्चा है और उसे अधिक अवसर उपलब्ध नहीं होते अच्छे विद्यालय में पढ़ने के, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के, ठीक है, तो क्या होता है, ऐसे अवसर गरीब बच्चों को नहीं मिलते, इसके कारण उनका विकास संतुलित नहीं हो पाता है। और वहीं अगर बात करें शहरी बच्चों की, अमीर बच्चों की, तो वे क्या होते हैं, गरीब बच्चों की तुलना में बेहतर एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण मिलता है उनको, तो उनका विकास तीव्र गति से होता है और सर्वांगीण विकास होता है। ये सब बातें तो आपने कहीं ना कहीं नोटिस की होगी, आप प्रैक्टिकली इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। तो ठीक है दोस्तों, हमने बहुत ही विस्तार के साथ जाना कौन कौन से कारक होते हैं बालक के विकास को प्रभावित करने वाले। एक बार फटाक से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को दो भागों में विभाजित किया गया है, कौन कौन से, आंतरिक कारक और बाह्य कारक। उसके बाद हमने जाना आंतरिक कारक के अंतर्गत कौन कौन से कारक आते हैं, वंशानुक्रम, शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक और सामाजिक कारक, ये आते हैं आंतरिक कारक के अंतर्गत। बाह्य कारक में आते हैं भौतिक वातावरण, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति और गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो प्लीज लाइक करिएगा और मुझे मोटिवेट करिए, मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बनाकर सब कुछ साथ साथ क्लियर करवाती हुई चलूंगी। ठीक है दोस्तों, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करिए, जिससे आपको सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगी। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। दोस्तों अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए, और अगर आपके कोई भी सुझाव है तो हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। और हमारे टेलीग्राम का ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। और फिर अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है मैं आपको अगली वीडियो में उसे जरूर एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।